हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ निमेसुलाइड टैबलेट के बारे में। ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। हमारी बॉडी में इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही फास्ट होता है। ये एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक की तरह यूज़ होता है। एंटीपायरेटिक यानी कि इसका यूज़ करेंगे फीवर में, एंड एनाल्जेसिक यानी इसका यूज़ एज अ पेन किलर करेंगे। लेकिन इस टैबलेट का यूज़ सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में किया जाता है। जब कोई और टैबलेट काम नहीं कर रही हो तो उस टाइम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए इस टैबलेट को बहुत सारे कंट्री में बैन किया गया है, एंड इंडिया में इसका यूज़ होता है, बट आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेंट से आप इसका यूज़ ना करें, क्योंकि ये टैबलेट हमारे लीवर को डैमेज करती है। मार्केट में निमोसुलाइड डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के नाम से आता है, जैसे कि अल्केमनिम, नाइस, निमपैक्ट, निम्स, निमेरिड। ऐसे ही आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के नाम से मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा निमोसुलाइड, और ये जेनरिक नाम से भी आता है, यानी कि निमोसुलाइड के नाम से ही आएगा, इसके सॉल्ट के नाम से। तो ये एक्यूट पेन होता है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। जब कोई भी टैबलेट अगर आपके फीवर में काम नहीं कर रहा है, पैरासीटामोल से आपका फीवर नहीं उतर रहा है, तो उस टाइम निमोसुलाइड का यूज़ किया जाता है। या फिर बहुत सारा कंडीशन जैसे कि ऑस्टियो आर्थराइटिस, रिमोटाइड आर्थराइटिस, इन सब की वजह से अगर आपके जॉइंट में पेन हो रही है या फिर कोई भी इन्फ्लामेशन हुई है, तो उसको रिलीफ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। या फिर अगर आपके स्टमक में क्रैम्स हो रही है या फिर आपको बैक पेन हो रहा है, किसी भी तरह का पेन हो, तो उस चीज़ में निमोसुलाइड का यूज़ किया जाता है। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में, जब कोई और ड्रग यूज़ में ना आ रहा हो, तो क्योंकि इसका यूज़ किया जाता है डॉक्टर के कंसल्टेंट द्वारा। लेकिन इस टैबलेट के लिए बहुत सारा वार्निंग दिया गया है कि आपको किस किस कंडीशन में इसका यूज़ नहीं करना है, जैसे पेप्टिक अल्सर, इंटेस्टाइनल अल्सर, या फिर सीवियर किडनी प्रॉब्लम है आपको, या फिर लीवर प्रॉब्लम है, या फिर NSAID ड्रग से आपको एलर्जी है, तो उन सारे कंडीशन में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। निमेसुलाइड से लीवर डैमेज होता है, इसलिए बहुत सारे कंट्री में इसको बैन किया गया है, बट इंडिया में इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन निमेसुलाइड का सस्पेंशन जो है वो इंडिया में बैन है, टैबलेट अभी भी चल रहा है, तो आपको जब भी इसे लेना है तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना है।